ने ये जो कार्यक्रम यहाँ पे चलाया है, जितने भी यंग या फिर मिडिल एज या फिर जितने भी लड़कियां हैं, वुमेन है, फीमेल्स हैं, उनको सिखाने के लिए, उनको उनका पैशन आगे चलाने के लिए या फिर उनको दिस एज अ प्रोफेशन मदद होने के लिए ये जो प्रोग्राम है, जो इनिशिएटिव है, ये बहुत बहुत खूबसूरत है और ऐसे इनिशिएटिव हमेशा होने चाहिए। और जिस हिसाब से यहाँ पे पार्टिसिपेशन आज हो रहा है, जिस हिसाब का यहाँ पे पूरे हॉल में हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से सब लड़कियाँ, उनकी बहनें, माताएं सब बैठी हुई हैं, एंजॉय कर रही हैं, सीख रही हैं, उनके सपनों को एक नई उड़ान मिल रही है और ये बहुत सराहनीय बात है। और शेख फाउंडेशन को मैं इस वजह से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आगे भी वो ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और जितने भी वुमन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम आगे होते रहेंगे। जो सबसे ज्यादा फीडबैक है इस कि कल्चर जो मेंटेन किया गया शेख फाउंडेशन में, दैट वाज ऑसम। मतलब इट वाज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन, बट अवेयरनेस जो मैंने देखा वो बहुत अच्छा था। अगर ऐसे ही बढ़ावा हम देते रहे तो आई थिंक वी विल बी डूइंग वंडर्स। एंड ये सीमित नहीं रहेगा कि हम यही एरिया में करें, बट इट विल कीप ग्रोइंग ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का उत्साह देखा आपने इन लोगों के बीच में और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? बहुत अच्छा लगा कि मतलब सब में एक जज्बा है कुछ करने का और द बेस्ट देने का। तो वो जज्बा जो होता है ना बेस्ट देने का, उससे लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा लगा कि सारी लड़कियां, अभी महिलाएं सब यहां पर आई हैं, उन्होंने अपना कोर्स किया है तो उनको एक वे दे रहे हैं, एक जरिया दे रहे हैं, तो वो अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यंगस्टर यहाँ पे आए, सबों ने पार्टिसिपेट किया और काफी कुछ खुश नजर आ रहे थे। ये युवा पीढ़ी, आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन युवा पीढ़ी को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? फॉर मी आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज of inspiration and confidence to the youngsters, that there is the world is full of opportunity. There are many good people who are there to offer them help and guide them, and they should be the one to step up and take that guidance. तो जिस तरह से आज शेख फाउंडेशन ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखाने का, सो आई एम श्योर देयर इज गोइंग टू बी मेनी मोर प्लेटफॉर्म्स, बट अल्टीमेटली इट इज देयर ओन यू नो सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव दैट्स गोइंग टू टेक देम फर्दर। सो कंग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी एंड आई वुड रियली यू नो ऑफर माई थैंक्स टू शेख फाउंडेशन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू विटनेस दिस। And I'm sure I'm going to carry this forward to my area of education in my school too. Gulnaz ma'am, आपको क्या कहना चाहेंगे? Sikh Foundation की backbone है यहाँ और इतना challenges रहा इस तरीके का कार्यक्रम organize और क्या कुछ कहना चाहेंगे overall इस कार्यक्रम को? देखिए, पहले तो सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी कि सभी ने हमें साथ दिया इस प्रोग्राम को करने के लिए। सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स का मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। परेशानी तो ऐसे रही कि जो लड़कियां हैं, आज के समाज में लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है कि कैसे नजर से देखेंगे। ये लोग ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, गलत है या क्या है, लेकिन हम उनके लिए एक मैसेज दे रहे हैं कि ये जो काम है, हमने जितनी भी लड़कियां हैं ये नकाब में रह के, नकाब में आती थी,
नकाब में ही काम करती थी और हिजाब के दायरे में रह के ही उन्होंने ये ब्यूटिशियन का कोर्स सीखा है। और ये कोर्स जो सीखा है उन्होंने ना कि अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए, बस ये एक हुनर सीखा है ताकि एक जरिया हो सके उनके लिए, उनका घर चलाने के लिए, ये उनके रोजगार का एक जरिया बन सकता है। एक हुनर सीख के वो अपने आप को दुनिया के सामने ला सकती है कि लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी हर चीज में आगे रह सकती है। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद शेख फाउंडेशन की तरफ से करना चाहूँगा कि आप सब ने वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में शिरकत हासिल करी। बेसिकली आज का प्रोग्राम जो था वो शेख फाउंडेशन वुमन्स विंग की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, जो ज़ेरे एहतराम गुलनाज शेख के माध्यम से ऑल ओवर दी मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में चल रहा है, जो कि पूरी इंटायर शेख फाउंडेशन की वुमन्स विंग थी उनके तरफ से वुमन्स एम्पावरमेंट के ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया था, जो आज मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मोर देन 27 सेंटर्स में हमारे स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके अंदर ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उनके आज कोर्सेज कंप्लीट हुए थे। उस कोर्सेज के सर्टिफिकेट एज वेल एज उनकी फेलिसिटेशन के यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था और उसमें काफ़ी महिलाओं ने मोर देन हमारे 3 से 4 सेंटर्स के यहाँ पे महिलाएं थी और उन सबका हौसला अफजाई यहाँ पे किया गया। तो इसलिए मैं तमाम हाजरीन का यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। कह चुकी हूँ क्योंकि मैंने भी जो है मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ है एंड यहाँ पे मैं जो आई हूँ टैब ब्यूटी एकेडमी के तरफ से आई हुई हूँ और आज मैं महक के लिए मॉडल बनी हुई हूँ और मुझे काफी अच्छा लगा कि इस तरह का माहौल देख के, इस तरीके का एक नया इवेंट देख के और साथ ही साथ जब सारे जजेस यहाँ पे बोल रहे थे कि कहने के लिए शेख फाउंडेशन है लेकिन यहाँ पे हर एक कास्ट को जो है अच्छे तरीके से मतलब मोटिवेट किया जाता है, हर एक विमेन को जो है आगे बढ़ने के एक रास्ता तरीका दिखाया जाता है। तो यस, ये सच है कि कहने के लिए ये सिर्फ शेख फाउंडेशन है बट यहाँ पे हर एक अलग अलग लोग आके यहाँ पे अपने करियर को, अपने प्रतिभा को जो है दिखाते हैं और इसी के थ्रू यहाँ से एक नई सीढ़ी चढ़ते हैं जिससे हम अपने आप को एक मोटिवेट करते हैं। और उसके साथ साथ मैं जो है गुलनाज मैम को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी और साथ ही साथ शेख फाउंडेशन को भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया, जिन्होंने हमें ये चांस दिया कि हम इस इवेंट पे आए और हम अपनी जो प्रतिभा है उसे हम यहाँ पे प्रस्तुत कर पाए। थैंक यू सो मच। एंड टुडे आई केम इन द शेख फाउंडेशन फॉर अ ब्राइडल मेकअप एंड आई वुड लाइक टू थैंक गुलनाज मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वुड लव टू वर्क विद हर इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।